क्लास 8 टॉपिक चल रहा है समीकरण। समीकरण क्या दी हुई है, 3x/5 प्लस 1/4 बराबर 2x/5 प्लस 3/4। तीन एक्स बटा पाँच कौन सा पद है, कौन सा पद है, चर पद, क्यों, क्योंकि इसमें x लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, x। 1/4 कौन सा पद है, अचर पद, क्यों, क्योंकि केवल संख्या है। बराबर लगा हुआ है, ये क्या है, समता चिन्ह, क्या है, समता चिन्ह। 2x/5 क्या है, चर पद। 3/4 क्या है, चर पद, चर पद 3x/5 अचर पद, 1/4 समता चिन्ह, 2x/5 चर पद और 3/4 में अचर। जिसमें संख्या है केवल, केवल संख्या है वो क्या है, अचर है। जिसमें संख्या के साथ एक्स वाई या कोई भी लगाओ एच जेड में, वो जाता है चर पद। समीकरण हल करते हैं तो चर पद को चर के पास लाना है और चर पद को अचर पद के पास लेके जाना है। चर पद के पास आएगा, अचर पद अचर पद के पास आएगा। उसके लिए क्या करना पड़ता है, पक्षांतर करना पड़ता है। अब इसको हल करते हैं अपन, 3x/5 1/4 2x/5 3/4 पक्षांतर करेंगे, किसको करेंगे, इसको इधर लेके आना पड़ेगा, चर को इधर लाएंगे, अचर को उधर ले जाना पड़ेगा, अचर उधर जाएगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पक्षांतर। पक्षांतर करने में 3x/5 यहाँ से क्या आया, 2x/5 प्लस का पक्षांतर करते हैं तो संख्या अपना चिन्ह बदल देती है, पक्षांतर करने पर संख्या अपना चिन्ह बदल देती है, प्लस का इधर क्या बन जाएगा, माइनस का, माइनस का 2x/5 3/6 प्लस का, प्लस उधर क्या बन जाएगा, माइनस, माइनस का 1/4 3/6 माइनस का 1/4 दोनों बट्टा में, जब संख्या बट्टा में हो और प्लस या माइनस का निशान हो तो लघुत्तम लेके हल करना पड़ता है। जब जब क्या हो, संख्या बट्टा में हो और बीच में प्लस या माइनस का निशान हो तो क्या करना पड़ता है, लघुत्तम लेके हल करना पड़ता है। लघुत्तम लो यहाँ पे, यहाँ क्या लघुत्तम आएगा, 5, दोनों समान अंक है ना इसलिए 5, या समान अंक है 4। 5 में लघुत्तम क्या आया, 5, लघुतम 5 में किसका भाग गया, 5 का, देखिए भाग गया एक बार, लघुत्तम 5 में 5 का भाग गया एक बार, तो 3x/1 फिर लघुत्तम 5 में किसका भाग गया, 5 का, देखिए भाग गया एक बार, 2x/1 लघुत्तम 4, 4 क्या लघुत्तम है, 4, लघुत्तम 4 में किसका भाग गया, 4 का, देखिए भाग गया एक बार, क्या करोगे, 3x/1 लघुत्तम 4 में किसका भाग दिया, 4 कितने आ गया एक बार, 1x/1। लघुत्तम में क्या करना पड़ता है, लघुत्तम में हर का भाग देते हैं और जो भागफल आता है उसको अंश से गुणा करते हैं। लघुत्तम में हर का भाग देते हैं और भागफल जो आता है उसको अंश से गुणा करते हैं। लघुत्तम में हर का भाग देते हैं और भागफल को अंश से गुणा करते हैं, किससे गुणा करते हैं, अंश से। अंश में क्या है, 3x, हर में क्या है, 5, तो 5 में किसका भाग दिया, 5, कितने आ गया एक बार, अंश में कौन है, 3x/1। लघुत्तम क्या है, 5, किसका भाग दिया, हर में कौन है, 5, 5 का भाग कितने आ गया एक बार, अंश में कौन है, 2x/2।
चार चार अगर तुम्हारे चार चार में किसका भाग दिया, चार का कितना आ गया एक बार, अंश में कौन है तीन, तीन इंटू एक तो अगर तुम क्या है चार किसका भाग दिया चार कितना आ गया एक बार, अंश में कौन है एक, एक इंटू एक तीन एक्स स्क्वायर से गुणा करो तीन एक्स, दो एक्स स्क्वायर से गुणा करो दो एक्स, बट्टा क्या पड़ा है पाँच, तीन एकम तीन एक बट्टा चार, तीन में से दो कटाओ एक्स बचे फिर एक एक्स एक्स बट्टा पाँच बराबर दो बट्टा चार, एक्स बट्टा पाँच बराबर क्या है दो बट्टा चार। अब इनको वजह गुणा करनी पड़ेगी, वजह गुणा किसको बहुत अच्छे गुणा को बोलते हैं, वज्र गुणा करने, वज्र गुणा क्या होती है तिरछी गुणा होती है, वज्र गुणा क्या होती है तिरछी गुणा। तो x के पास कौन आएगा चार, चार इंटू एक्स, पाँच कहाँ जाएगा दो के पास, तिरछी गुणा करेंगे वज्र गुणा तिरछी गुणा, ये इधर आ जाएगा ये इधर चला जाएगा, चार इंटू एक्स पाँच इंटू दो, अब चार को बटना में लिया x बराबर पाँच इंटू दो बट्टा चार, आठ दो दो एक दो दो दूनी चार, x बराबर क्या आया पाँच बटा दो, x बराबर क्या आया पाँच बटा दो, ये बट्टा के समीकरण आ गए हम समीकरण करना सिंपल है, तुम बट्टा है भर कितने बट्टा है खाली बस बस बाकी तरीका सेम है, चार अच्छा चार तरीका सेम है हो गया। अब इसको समीकरण दो देखो, समीकरण दो में यहाँ क्या है पाँच बटा, इसका पद है चार, यहाँ क्या है चार, कौन सा पद है अचर पद, दो वाई कौन सा पद है चार पद, तेरह कौन सा पद है अचर पद, केवल संख्या है अचर पद, अब इसमें क्या लगा बराबर का निशान, ये क्या होता है समता चिन्ह, क्या होते हैं समता चिन्ह, केवल संख्या है वो अचर है और संख्या के साथ ए से जब कुछ भी लग गया तो वो क्या बन जाएगा अचर पद बन जाएगा, कॉल करते हैं इसको अचार अंतर करना पड़ेगा, चार को चर के पास अचर को अचर के पास, पाँच वाई प्लस चार बराबर दो वाई प्लस तेरह, तो दो वाई इधर लाओ क्योंकि ये चर है चर के पास आएगा, चार उधर जाओ क्यों क्योंकि अचर है अचर के पास आएगा, क्या करना पड़ेगा इसके लिए पक्षानांतर करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा पक्षानांतर, पक्षानांतर करने पर पाँच वाई प्लस दो वाई क्या बन गया माइनस दो वाई, प्लस चार उधर आ क्या बन गया माइनस चार, पक्षानांतर करने पर क्या होता है संख्या अपना चिन्ह बदल देती है, पक्षांतर करने पर संख्या अपना चिन्ह बदल देती है, बदल गया चिन्ह, पाँच में से दो घटाओ तीन भाई, तेरह में चार बैठो अकेला हो गया भाई, नहीं हुआ साथ में कौन है तीन, तीन भाई कैसा आएगा तीन इंटू वाई, तीन इंटू वाई बराबर नौ, बट्टा मिल गया उसको वाई बराबर नौ बटा तीन, तीन एक तीन तीन किया वाई का मान क्या आ गया तीन, वाई का मान क्या आ गया तीन, आए हम समीकरण हल करना, समीकरण हल करना पहले सीखा है, इसमें जो भी समस्या आ रही है कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप पूछ सकते हैं, समझ में नहीं आ रहा है कोई दिक्कत आ रही है तो आप पूछ सकते हैं, तो आज के लिए इतना ही, समीकरण के और सवाल करेंगे तो आप कल के वीडियो करेंगे, धन्यवाद।